हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोलदा चिंगरी। अब हम इसे अच्छी तरह से साफ करेंगे। ये देखिए, मछली को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे दो पानी से हम धो भी लिए हैं और हम कढ़ाई गरम करके तेल दिए हैं। अब हम तेल में डालेंगे ये सरसों और सूखी हुई मिर्ची। तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से सरसों मिर्ची को पका लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मछली जो हमने साफ करके रखा था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। हमने इसे 2 मिनट अच्छी तरह से पका लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला, जो मसाला भी हम, ये देखिए, अब हम मसाला निकाले हैं। अब हम ये मसाला देंगे धनिया पाउडर, सूखी मिर्च, लहसुन और जीरा गोल की। अब हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर। हमें 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर देना है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। हल्दी हमने डाल दिया था, अब हम मसाला देते हैं। ये देखिए, मसाला हमने डाल दिया है। अब हम इसे गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। ये देखिए, मछली को हमने मसाले के साथ कम से कम 10 से 15 मिनट तक यूं ही फ्राई करना है। ये देखिए, मसाले के साथ हमने अच्छी तरह से मछली को फ्राई कर लिया है। ये देखिए, हमने मछली को अच्छी तरह से मसाले में फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मछली हमारा पक चुका है, इसलिए पानी हम बस नॉर्मल ही डालेंगे। ये देखिए, हमने मछली में पानी डाल दिया है। पानी हमने नॉर्मल ही डाला है। हम इसे मीडियम फ्लेम में बस 4 से 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम में पानी दे करके मछली को पका लिया है। ये हमारा मछली कम्प्लीट हो गया।